Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Microprocessor. Subject code is KCS403. This subject belongs to the students of Computer Science Engineering who are currently studying in their fourth semester. So here it is lecture number 0 aur is lecture number 0 mein main baat karta hu hamesha what is the syllabus and the respective course outcome of this particular subject. तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस के बारे में. अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करूं तो माइक्रोप्रोसेसर इज अ फुल क्रेडिट सब्जेक्ट, यानी फुल क्रेडिट का मतलब AKTU के अंदर होता है, दैट इज कंप्लीट 5 यूनिट. सो यूनिट बाय यूनिट अगर मैं डिस्कशन करूं तो यूनिट नंबर 1 में आप लोग स्टडी करेंगे व्हाट इज दैट, दैट इज माइक्रोप्रोसेसर इवोल्यूशंस एंड टाइप. माइक्रोप्रोसेसर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से इवोल्यूएट हुआ है, कौन सा माइक्रोप्रोसेसर सबसे पहले आया, देन उसके बाद दिस इज द बेसिक माइक्रोप्रोसेसर इवोल्यूशन. After that you will study microprocessor architecture and operations of its component. तो microprocessor क्या है, what is the basic microprocessor, किस तरह से उसका architecture और operation form होता है, वो सब चीजें देखनी है. Then अगर हम बात करें microprocessor related term की तो that is addressing modes क्या होते हैं, interrupts क्या होते हैं, what are the different data transfer stream के हम microprocessor किस तरह से data transfer कर सकते हैं, and what are the different टाइमिंग डायग्राम्स एंड इंटरफेसिंग डिवाइसेज इंस्ट्रक्शन यूज इन अवर माइक्रोप्रोसेसर. तो अगर मैं इस यूनिट 1 की बात करूं तो यूनिट 1 के अंदर आपके पास जो टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं ये सारे टॉपिक्स हमें आगे यूनिट्स में देखने हैं, क्योंकि बिकॉज दीज आर द स्मॉल स्मॉल टर्म्स जो कि आगे आप पूरा डिटेल जो आपका सिलेबस है उसमें आप लोग देखने वाले. जैसे कि अगर मैं यूनिट 2 से स्टार्ट करूं तो यूनिट 2 के अंदर आपको मिलेगा दैट इज 8085 माइक्रोप्रोसेसर इनकम्प्लीट. अभी तो हम यहाँ केवल माइक्रोप्रोसेसर की बात कर रहे हैं इन यूनिट नंबर 1, बट इन यूनिट नंबर 2 नाउ देयर इज अ स्पेसिफिक माइक्रोप्रोसेसर, और जो सबसे बेसिक माइक्रोप्रोसेसर है जिसके पढ़े बगैर आपको कोई माइक्रोप्रोसेसर समझ में नहीं आता, तो दैट माइक्रोप्रोसेसर इज 8085 प्रोसेसर. और यहां पे इस यूनिट के अंदर आप पूरा कंप्लीट 8085 गो थ्रू करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरनल आर्किटेक्चर. उस आर्किटेक्चर में आप रजिस्टर स्ट्रक्चर, कंट्रोल यूनिट, ALU स्ट्रक्चर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स अवेलेबल इन माइक्रोप्रोसेसर, व्हाट आर द डिफरेंट सिग्नल्स जिन्हें हम यहाँ पे पिन डायग्राम में स्टडी करेंगे, व्हाट इज द टाइमिंग डायग्राम, किस तरह से हमारा इंस्ट्रक्शन कंप्लीशन होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अवर 8085 प्रोसेसर, फिर चाहे वो डेटा ट्रांसफर ग्रुप है, अर्थमेटिक ग्रुप्स है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है, ब्रांचिंग ऑपरेशन है, मशीन कंट्रोल, एंड व्हाट आर द असेंबलर डायरेक्टिव्स. तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो पूरा का पूरा आप यहां पे 8085 कंप्लीट तरह से स्टडी करने वाले हो, हार्डवेयर बेसिस पे भी और सॉफ्टवेयर बेसिस पे भी. हार्डवेयर का मतलब हो जाता है यू विल लुक आफ्टर द ब्लॉक डायग्राम, व्हाट आर द कंपोनेंट्स यूज्ड इन दिस माइक्रोप्रोसेसर, एंड सॉफ्टवेयर से मेरा मतलब है व्हाट आर द डिफरेंट इंस्ट्रक्शन यूज्ड इन दिस प्रोसेसर. और सेम यहां पे भी देखिए टर्म लिखी हुई एड्रेसिंग मोड्स, जो कि यहां पे भी लिखा हुआ था यूनिट नंबर 1 के अंदर. तो एड्रेसिंग मोड्स मैं यहां पे आपको 8085 के रेफरेंस में बताऊंगा, तो जो ऑलरेडी आपका यूनिट 1 में ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा. तो इसलिए मैंने बोला यूनिट 1 में जो टर्म्स लिखे हुए हैं वो बेसिकली आगे हम इन डिटेल पढ़ते हैं, तो इसलिए यूनिट 1 में बहुत ज्यादा बताने के लिए नहीं रह जाता है. तो इसलिए मैं स्टार्ट भी जो करूंगा, मेरी जो प्लानिंग है इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के, आई विल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट विद 8085 माइक्रोप्रोसेसर बाय गिविंग यू द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. माइक्रोप्रोसेसर का एक बेस इंट्रोडक्शन करने के बाद सीधा डाइव करेंगे 8085 के अंदर, बिकॉज माइक्रोप्रोसेसर को अगर किसी को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले उसे 8085 ही जानना होगा, राइट. देन उसके बाद अगर मैं यूनिट नंबर 3 की बात करूं तो यूनिट नंबर 3 में आप ऑन द सेम बेसिस जैसे आप यहां पे सेकेंड यूनिट के अंदर 8085 पढ़ेंगे, इन द थर्ड यूनिट देयर इज अ 8086 माइक्रोप्रोसेसर. सेम चीज है, सबसे पहले आप आर्किटेक्चर देखेंगे जहां पे इसके अंदर मेन यूनिट होती है, देयर आर टू यूनिट्स, बस इंटरफेस यूनिट एंड एग्जीक्यूशन यूनिट. देन उसके बाद मेन कॉन्सेप्ट 8086 के अंदर होता है मेमोरी सेगमेंटेशन की, 8086 को मेमोरी में डिविजन कर दिया जाता है, देयर आर डिफरेंट सेगमेंट जो आप 8086 के अंदर देखोगे. तो मेनली क्या चीज हुई, वही आर्किटेक्चर हार्डवेयर पोर्शन देखना है, देन उसके बाद हम लोग इसका इंस्ट्रक्शन सेट भी देखेंगे, यानी सॉफ्टवेयर पार्ट भी देखेंगे, व्हाट आर द वेरियस ऑपरेटिंग मोड्स, मतलब डेटा को हम किस तरह से कॉलिंग करते हैं, एड्रेस किस तरह से कॉल अप होता है, दैट इज कॉल्ड एड्रेसिंग मोड्स, देन व्हाट आर द डिफरेंट इंटरप्ट्स यूज्ड एज अ हार्डवेयर एंड एज वेल एज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स. तो इन शॉर्ट अगर मैं फिर से यहां बोलूं तो यूनिट नंबर 3 गिव्स यू अ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर, राइट. After that, अगर हम यूनिट नंबर 2 और 3 जब 85 और 86 को पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की तरह गो थ्रू कर लेंगे तो उसके बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग पढ़ सकते हैं. तो यूनिट नंबर 4 में आपके लिए दी गई है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग. माइक्रोप्रोसेसर के साथ जो हम प्रोसेसर के साथ जो कोडिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज. तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर आप
कुछ प्रोग्राम्स गो थ्रू करोगे जो कि आपके टॉपिक्स कवर करेंगे, फिर चाहे वो डेटा ट्रांसफर ग्रुप पे हो या अर्थमेटिक हो प्रॉब्लम या लॉजिकल ऑपरेशन पे बेस्ड हो, लूपिंग आपको लगानी है, काउंटिंग सीखना है, काउंटर्स एंड डिले टाइम्स डिले कैसे सेट किया जाता है, सब रूटीन कैसे कॉल्स होते हैं, कंडीशनल कॉल्स क्या होती हैं, हम रिटर्न इंस्ट्रक्शन कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अभी फोर्थ यूनिट की बात करूँ तो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप केवल ये दो यूनिट पढ़ने के बाद ही समझ पाओगे कि बेसिकली इस फोर्थ यूनिट के अंदर हमें प्रोग्रामिंग में कोडिंग करनी है, एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनको हमें असेंबली लैंग्वेज में बनाना है। बहुत इजी होता है, बट एक बार आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर द डिफरेंट इंस्ट्रक्शन यूज्ड इन अवर 85 प्रोसेसर या 86 प्रोसेसर, तभी मैं उसके बाद इस फोर्थ यूनिट यानी यहाँ पे प्रोग्रामिंग को कर पाऊंगा, प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल कर पाएंगे। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, दिस इज यूनिट नंबर 5, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। तो इसके अंदर आप लोग पढ़ोगे कि 885 के साथ हम किस तरह से अदर डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं सो दैट हम 885 की कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ कहीं ना कहीं हम कुछ कुछ की टेक्निक्स को इंक्रीज करेंगे, अभी मैं यहाँ टेक्निकल टर्म में नहीं जा रहा हूँ कि उसकी इंटरप्ट कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं या मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज आर देयर। सो वो है यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइस, हर एक पेरिफेरल डिवाइस को आपको स्टडी करना है जो भी आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, लाइक 8237 है, 8255 है, 8253 54 है, 51 है, 59 है, तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट आईसीज जो आपको यहाँ पे स्टडी करना है, दीज आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइस। हर एक आईसी को हम स्टडी करेंगे, हर एक का अपना एक ब्लॉक डायग्राम है, उसका ऑपरेशन है और वो अल्टीमेटली आपके माइक्रोप्रोसेसर को किस तरह से सपोर्ट करता है वो चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। अब सिलेबस के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहली चीज आती है आपकी टेक्स्ट बुक ऑब्लिक रेफरेंस बुक। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में माइक्रोप्रोसेसर के लिए जो सबसे बेसिक बुक है जो बहुत इजी लैंग्वेज में भी लिखी हुई है, दैट इज कॉल्ड रमेश एस गांवकर, जो कि आप लोग कहीं से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, इट विल बी इजिली अवेलेबल टू यू ऑल। और इसके अलावा भी रेफरेंस बुक्स आपके सिलेबस में बहुत सही मेंशन है, लाइक रे है, हॉल है, बैरी है, रेनू सिंह है, आदित्य, दिस इज योर माइक्रोप्रोसेसर्स कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम, माइक्रोप्रोसेसर इंटरफेसिंग एंड एप्लीकेशन। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट बुक्स नेम जो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट करे हैं एज पर फ्रॉम योर सिलेबस। बट अगर मैं मेन बुक की बात करूँ तो दैट इज द फर्स्ट वन, दिस इज गांवकर, जिसमें कि बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको ऑलमोस्ट टॉपिक्स कवरअप जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम सिलेबस और रेफरेंस बुक के बारे में बात करें तो उसके बाद हमारा आता है व्हाट आर द कोर्स आउटकम, आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद क्या लर्न करेंगे, व्हाट आर यू एबल टू एक्सप्लेन आफ्टर लर्न दिस सब्जेक्ट। सो अगर मैं फर्स्ट आउटकम की बात करूं तो इट सेज अप्लाई अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल फंडामेंटल्स टू माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम। जो भी हमने अब तक डिजिटल फंडामेंटल सीखा है वो माइक्रोप्रोसेसर में किस तरह से अप्लाई होता है, राइट। देन अगर हम सेकेंड आउटकम बात करें तो जैसे कि हमने बोला आफ्टर लर्निंग द सेकेंड यूनिट, जैसे ही आप 885 माइक्रोप्रोसेसर पढ़ लेंगे तो देन यू आर एबल टू एक्सप्लेन द डिटेल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर स्ट्रक्चर ऑफ 885 प्रोसेसर। ऐसे जब आप यूनिट नंबर 3 को गो थ्रू कर लेंगे आफ्टर दैट यू कैन इजिली explain the software and hardware structure of 886 microprocessor. And once you will go through the unit number 4, जो कि मैंने आपको बताई programming based है, assembly language programming आपको वहाँ पे करनी है, different different problems के लिए किस तरह से हम programming generate करेंगे, so that after that you can easily understand the assembly language programming based on 885 and 886 processor. And in the last, क्योंकि आपको peripheral devices समझने हैं, तो peripheral devices पढ़ लेने के बाद आप लोग easily explain कर सकते हैं कि किस type से data transfer available है विद अवर माइक्रोप्रोसेसर और कौन कौन से डिवाइसेज हमारे माइक्रोप्रोसेसर कैपेबिलिटी को और इंक्रीज करते हैं। सो दीज आर द प्रस्पेक्टिव आउटकम्स आफ्टर लर्निंग दिस सब्जेक्ट। नाउ अगर मैं अपने कोर्स प्लान की बात करूं अपकमिंग लेक्चर्स में मैं किस तरह से इस सब्जेक्ट को डील करने वाला हूं, तो सबसे पहले मैं यहां पे जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बोला था, वी विल स्टार्ट फ्रॉम यूनिट नंबर 2। आई विल स्ट्रेट फॉरवर्ड गिव्स यू द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, माइक्रोप्रोसेसर क्या है, किस तरह से बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, एंड देन वी विल स्टार्ट द 885 माइक्रोप्रोसेसर, क्योंकि 885 ही सबसे मेन बिग बेस है आपको माइक्रोप्रोसेसर को समझने के लिए। और अगर आपने एक बार समझ लिया तो समझिए आपके लिए माइक्रोप्रोसेसर बहुत ही हो जाएगा। सो स्टे ट्यून विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम स्टार्ट करेंगे द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ योर माइक्रोप्रोसेसर। थैंक यू।